हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय। यदि px एक बहुपद है, बहुपद आप लोग जानते हो, ठीक है ना, जिसमें एक से अधिक पद हो, वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। यदि px एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या हो, px एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या मतलब काउंटिंग नंबर माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो x माइनस a, ये जो a वास्तविक संख्या है और ये जो लिखा हुआ है x माइनस a, ये जो बहुपद है x में है, ठीक है, x माइनस a px का a गुणनखंड होता है। x माइनस a, ये जो वास्तविक संख्या a है, ये इस बहुपद px का a गुणनखंड कहलाएगी। कब? यदि PA बराबर 0, यदि इस हम A को, इस A को इस X की जगह रख दें, इस बहुपद PX में जहां जहां पे X लिखा हुआ है वहां वहां पे अगर हम A रख दें, तो A रखने पर पूरे बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं PX माइनस A इस PX का क्या है, A गुणनखंड है, ठीक है। और यदि PA बराबर 0, ठीक है, ये तो एक स्थिति हो गई इसकी। एक स्थिति क्या हो गई कि यदि बहुपद में एक कोई वास्तविक संख्या है, एक ऐसी संख्या हमारे पास है जो उस बहुपद में हम रख देते हैं एक्स की जगह पे, तो उस बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0। अगर ऐसा है तो फिर एक्स माइनस ए उस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। दूसरी स्थिति यह है कि यदि पी ए बराबर, यदि x माइनस ए, दूसरी स्थिति यह है कि यदि x माइनस ए px का गुणनखंड दिया हो, यहां पर क्या दिया था, a एक ऐसी संख्या है कि उस बहुपद में x की जगह जब हम a रख देते हैं तो अगर 0 उत्तर आ जाता है तो हम कहते हैं कि x माइनस ए इसका गुणनखंड है। दूसरी स्थिति यह है कि यदि x माइनस ए गुणनखंड दिया हुआ है इस बहुपद px का, तो pa बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह गुणनखंड प्रमेय कहलाती है। इसकी सहायता से हम अगली एक्सरसाइज के सवाल को करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.4। प्रश्नावली 2.4, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है, ठीक है। नीचे कई बहुपद दिए हुए हैं, हमको बताना है उनमें से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। बिल्कुल जैसा गुणनखंड प्रमेय बताया था कि हमको बताना है कि x प्लस a किसका गुणनखंड है, x माइनस a किसका गुणनखंड है, उसके लिए हम x की जगह पर क्या रख लेते हैं, a रख लेते हैं। तो चलते हैं इसमें, क्वेश्चन आप लोग बुक से देखेंगे, इसमें हमको चेक करना है, ठीक है ना। तो पहला दिया हुआ है इसमें px की जगह पे ये दिया हुआ है, माना px बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दिया हुआ है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब हमको एक गुणनखंड दिया हुआ है x प्लस 1 और बताना है कि वो इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो हम चाहे तो उसको भी मान सकते हैं gx, उस दूसरे बहुपद को क्या मान लिया, x प्लस 1। अब क्या बताना है हमको कि ये जो x प्लस 1 है इसका गुणनखंड है कि नहीं। इसे करने के दो तरीके हैं, एक जो हम अभी पहले लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, भाग करके। अगर हम x प्लस 1 से इसमें भाग देते हैं, अगर भाग देने पे शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे यह x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, ठीक है। कैसे, इसको हम इधर बता दे रहे हैं आप लोगों को, ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जब पिछली एक्सरसाइज कर रहे थे तो बिल्कुल सेम यही पढ़ा था। भाग से हम बता सकते हैं भाग करके, ये इस तरह से x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 किया, ठीक है। अब हम इससे इसमें भाग देते हैं,
यदि रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो कहेंगे x प्लस वन इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है, भाग देने के लिए आप लोगों को बताया, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से भाग देते हैं, x की घात तीन है उसमें x से भाग देंगे, ऊपर तीन x नीचे एक x, एक x कट जाएगा, कितने x बचेंगे दो, x की घात दो, तो कितनी बार जाएगा x की घात दो बार। अब हम x की घात दो का इसमें भी गुणा करेंगे इसमें भी और उसको इसके नीचे लिख देंगे, तो x की घात दो का x में हुआ तो x की घात तीन, प्लस x की घात दो का एक में हुआ तो x की घात दो, घटा दिए ऊपर से नीचे, ये माइनस माइनस हो गए दोनों, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में कट गया, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में कट गया, बचा क्या x प्लस वन। फिर से भाई इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग करेंगे, x यहाँ भी लिखा हुआ है, x यहाँ भी लिखा है, कट गया कितना आ गया एक, मतलब कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, तो ये x प्लस वन, वन का गुणा x में किया x, वन का गुणा वन में किया वन, ये माइनस हो गया कट गया, तो देखा शेषफल कुछ नहीं आया। ठीक है, शेषफल कुछ नहीं आया, अतः x प्लस वन इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये किस विधि द्वारा हमने किया, ये हमने भागफल विधि द्वारा, शेषफल भागफल विधि द्वारा किया, ठीक है ना, लेकिन विभाजन विधि द्वारा सिद्ध किया। अब हम इसको गुणनखंड प्रमेय द्वारा सिद्ध करेंगे, गुणनखंड प्रमेय में क्या थी, x प्लस वन इसका एक गुणनखंड होगा, कब, जब हम x प्लस वन बराबर जीरो अर्थात x बराबर माइनस वन, इस पूरे में x की जगह पे क्या रखेंगे माइनस वन, अगर जीरो आता है तो गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो माना gx इसके बराबर जीरो रख लेते हैं, अपने से रख लेते हैं क्योंकि ये इसका शून्य निकालना है। ठीक है, माना gx बराबर जीरो, तो x प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर आ गया माइनस वन। ये जो बहुपद, ये जो x प्लस वन दिया हुआ है, ये भी एक बहुपद है, रैखिक समीकरण है, इसका भी कोई ना कोई शून्य आएगा, शून्य मतलब यहाँ पे कौन सा मान रख दिया जाए कि इस बहुपद का मान क्या हो जाए जीरो, तो x बराबर क्या रख दिया जाए माइनस वन, माइनस वन इसका क्या है एक शून्य है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं, यहां से आप बार बार निकाल सकते हो कि वो जो a गुणनखंड में बताया था ना, यदि px एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है इस प्रकार, ठीक है, x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, तारा पहली शर्त वही बताया, x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि p a इक्वल टू जीरो, तो वो a, a जो वास्तविक संख्या थी वो कहां से निकलेगी, वो ये वास्तविक संख्या होगी हमारी। ठीक है, अब हम यहां पे रखेंगे x की जगह पे माइनस वन, अतः p माइनस वन इक्वल टू इस बहुपद में माइनस वन रखेंगे, जहां जहां x है माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन का क्यों, या यहां पे आप रख सकते हो x बराबर माइनस एक पी एक्स में रखने पर। ठीक है, x बराबर माइनस एक इस ऊपर वाले पी एक्स में रखने पर, तो ये हमारा हो जाएगा p माइनस वन इक्वल टू माइनस वन की पावर थ्री प्लस इस x की जगह पे भी माइनस वन, माइनस वन की पावर टू प्लस x और x की जगह पे माइनस वन और प्लस वन, ये हो गया, ये p a निकाल रहे हैं, वही a निकाल रहे हैं, अगर ये बराबर जीरो आ जाएगा तो गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं होगा। यहां पे माइनस वन का तीन बार गुणा है, ठीक है, वन का हम चाहे कितनी बार भी गुणा करें हमेशा वन आएगा, यहां पे जो माइनस के गुणे हैं, माइनस की घात कितनी है तीन बार है, विषम संख्या है तीन बार माइनस आएगा, दो बार माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, ये माइनस इनटू माइनस, दो बार में प्लस होता है, पर अगर तीन बार हो जाएगा तो माइनस एक माइनस एक माइनस एक, एक एक का गुणा किया तो एक आया, और माइनस माइनस से गुणा किया प्लस, और फिर माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस, तीन बार माइनस का गुणा किया, विषम संख्या बार माइनस का गुणा किया तो क्या आएगा माइनस में ही उत्तर आएगा, ये माइनस एक हो गया प्लस। अब माइनस एक की घात दो बार, माइनस एक का दो बार गुणा करते हैं, ये घात क्या है सम में, दो सम संख्या घात सम में है, और जब सम में है निश्चित तौर से प्लस में ही आएगा, या माइनस माइनस का दो बार गुणा करेंगे तो
प्लस में ही आएगा, प्लस वन हो गया। फिर प्लस माइनस, माइनस एक, ये प्लस और माइनस, माइनस एक और फिर से प्लस एक, ये हो गया। ठीक है, क्या देखो, ये माइनस एक, ये प्लस एक, ये माइनस एक, ये प्लस एक, दो बार प्लस में लिखा हुआ है एक एक दो, और दो बार माइनस में लिखा है एक एक दो, तो दो में दो घटाएंगे तो जीरो, तो p माइनस वन इक्वल टू आ गया ना जीरो, जो हम एक बताया था वहां पे गुणनखंड प्रमेय में, वहां से ये क्या आ गया, जीरो आ गया, और जीरो आ गया तो लिखेंगे अतः x प्लस वन इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस वन का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा इसका एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड। वैसे ये कितने घात का है, तीन घात का है, तीन घात का है तो इसे कितने गुणनखंड बनेंगे, तीन गुणनखंड बनेंगे। ठीक है ना, दो घात का होता दो गुणनखंड बनते, तो हमने इसका बता दिया कि एक गुणनखंड इसका यही होगा। तो चाहे आप ये भाग विधि द्वारा, विभाजन विधि द्वारा लगाइए, चाहे गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड प्रमेय से लगाइए, हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और करते हैं आप क्वेश्चन, इसके बाद थर्ड लगाते हैं इसी का। ये पहला था पहले का, तीसरा लगाते हैं इसी का, पहले का ही तीसरा, उसमें px बराबर दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और dx तो सेम x प्लस 1 भी चेक करना है, तो आप चाहे तो भाग कर सकते हैं इस तरह से और देख सकते हैं। अब हम गुणनखंड प्रमेय का ही ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, माना भाई gx बराबर 0 मतलब x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये बढ़ जाएगा तो माइनस 1, मतलब इसमें सारे सवालों में x की जगह में क्या रखना है, माइनस 1 ही रखना है जो पहले पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब भाई x बराबर माइनस 1 इस px में रखने पर देखते हैं कि ये रखने पर इसका मान 0 आता है कि नहीं, x की जगह पे क्या रखने पर माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा px की जगह पे माइनस 1 रख दिया इक्वल टू x, x की जगह पे माइनस 1, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3, फिर x, x की जगह पे माइनस 1, ये ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, 3 का इसमें गुणा हुआ है। ठीक है ना, ये ऊपर घात कितनी है 3, फिर प्लस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब वही माइनस 1, माइनस 1 की पावर 2, फिर प्लस x, x की जगह पे माइनस 1, और फिर ये हो गया हमारा प्लस 1, ये हो गया। अब हम इधर देखेंगे माइनस 1 की पावर 4, 4 जो होती है तो सम संख्या है, माइनस 1 का सम बार गुणा करेंगे, जब सम बार गुणा करेंगे तो धनात्मक आएगा, सम प्लस में आएगा, अगर विषम बार माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है ना, तो अभी हम सम बार गुणा करेंगे तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, माइनस एक का वैसे भी चार बार गुणा करके देख सकते हो, ये माइनस एक गुणे माइनस एक गुणे माइनस एक गुणे माइनस एक, दो बार किया तो प्लस में, तीसरी बार माइनस में, चौथी बार फिर से प्लस में, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एक हो गया प्लस 3, और फिर माइनस एक की घात 3 है, माइनस एक का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, तो कितना आएगा माइनस एक आएगा, क्योंकि 3 बार गुणा करने पे माइनस माइनस प्लस, और तीसरी बार गुणा कर दिया तो फिर से माइनस आ गया प्लस 3, फिर माइनस एक का दो बार गुणा करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 गुणे 1 लिख सकते हो, इसको लिखना हो तो 3 और इसका गुणा 1, फिर प्लस और माइनस, माइनस एक प्लस माइनस माइनस एक, और ये हो गया हमारा प्लस एक। ठीक है, ये हो गया हमारा एक, और तीन में माइनस एक का गुणा करेंगे, तीन एक कम तीन, माइनस तीन माइनस का गुणा था प्लस, तीन एक कम तीन, फिर माइनस एक
और प्लस एक। ये देखो ये तीन माइनस में है और ये प्लस में, तीन में तीन घटा दो या माइनस प्लस कट गया, ठीक है। इसी तरह से ये माइनस एक और ये प्लस एक कट गया, पर यहां पे एक बच गया। क्या बच गया? एक बच गया। और जब ये आना क्या चाहिए? जीरो आना चाहिए, पर आया क्या? एक आया। और एक आ गया, इसका मतलब एक्स प्लस वन, अतः एक्स प्लस वन एक्स की घात चार प्लस तीन एक्स की घात तीन प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का गुणनखंड, नहीं यदि आप लोग भागफल वाले से लगाते हैं, भाग विधि से लगाते हैं, तो भी वहां पर रिमाइंडर देखते कि वन आता, ठीक है ना। शेषफल कितना आता? वन आता। चलिए एक और लगाते हैं इसी का, फोर नंबर। फोर नंबर पे दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, ठीक है, रूट टू वर्गमूल प्लस इंटू एक्स और प्लस दो, रूट दो है, इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है ना। जी एक्स वही रहेगा, एक्स प्लस वन सबके लिए है, ठीक है। तो एक्स बराबर माइनस एक इस बहुपद पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या मान आता है। पी एक्स की जगह पे माइनस वन रख दिया, यहां पे माइनस वन रखेंगे, माइनस वन की पावर थ्री, फिर माइनस एक्स माइनस वन और इसकी पावर टू। ये माइनस ये वाला है और ये एक्स की जगह पे माइनस वन लिख रहा है, फिर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स, एक्स की जगह पे माइनस वन और प्लस रूट टू, ये हो गया। फिर से आ गया माइनस एक का विषम भाग गुणा करना है, विषम तीन विषम संख्या है, विषम भाग गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, मतलब माइनस एक ही आएगा। फिर माइनस माइनस एक का सम बार गुणा करना है, दो बार गुणा करना है, तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो यहां पे हम लिख दिए एक, प्लस लिखा हुआ है, ये वाला माइनस ये लिखा है और इसका दो बार गुणा किया तो प्लस एक। फिर ये देखो ये और ये कितना, दोनों में ब्रैकेट लगा मतलब दोनों में मल्टीप्लाई है, इस माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे, तो ये माइनस एक का गुणा माइनस से होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, टू प्लस रूट टू। अब इसको ब्रैकेट में रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह से ये हो गया हमारा रूट टू, ये इस तरह से हो गया। अब माइनस एक और माइनस एक ये हो गए माइनस दो प्लस रूट टू और प्लस रूट टू, ये माइनस दो प्लस दो तो कट गया, पर यहां पे ये रूट दो और रूट दो, ये एक रूट दो है और ये भी एक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टू रूट टू, ठीक है। तो आना क्या चाहिए? जीरो आना चाहिए, पर जीरो नहीं आ गया, आ गया क्या? टू रूट टू, अतः एक्स प्लस वन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू प्लस इंटू एक्स प्लस रूट टू का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में फिर से लिखा हुआ है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। हमने पहले वाले में भी तो गुणनखंड ही प्रमेय लागू किया था, यहां फिर से उसी प्रमेय को लागू करके बताना है, ठीक है। इसमें भी दो तीन सवाल दिए हुए हैं, मैं इसका केवल एक बताऊंगा आप लोगों को, दूसरे का सेकंड बताता हूं, बाकी फर्स्ट और थर्ड आप लोग अपने से करिए। बहुत इजी सवाल है,
इसमें दिया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये पी एक्स दिया हुआ है, और जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस टू। तो बिल्कुल उसी तरह लगाना है जैसा भी हम लगा रहे थे, बताना है ये जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है, तो वही हम मान लेंगे, माना जी एक्स बराबर वही जीरो, इसका शून्य निकालना है। तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स बराबर ये दो उधर जाएगा, जीरो माइनस दो बराबर माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। अब हम x बराबर माइनस दो पी एक्स में रखते हैं, x बराबर माइनस दो पी एक्स में रखने पर गुणनखंड में x की जगह पे माइनस टू रख देते हैं, p माइनस टू एक्स की घात तीन मतलब माइनस दो की घात तीन प्लस तीन एक्स की घात माइनस दो की घात दो, जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां पे क्या लिख देंगे, माइनस दो लिख देंगे, प्लस थ्री एक्स की जगह पे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि थ्री एक्स का मतलब तीन में एक्स का गुणा है, प्लस वन, ये हो गया। माइनस दो की घात तीन का मतलब होता है माइनस दो गुणे माइनस दो गुणे माइनस दो, कितनी बार माइनस दो का गुणा, तीन बार, ठीक है। अगर तीन बार माइनस का गुणा करेंगे, विषम संख्या है तीन, तो आंसर हमारा किसमें आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है, आंसर हमारा किसमें आएगा, माइनस में। और दो का गुणा दो से किए दो दूनी चार, और चार का गुणा दो से किए तो चार दूनी आठ, ये हो गया हमारा माइनस आठ, ठीक है, प्लस तीन, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू माइनस दो का कितनी बार गुणा है, दो बार, माइनस दो का स्क्वायर दो बार, माइनस दो गुणे माइनस दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दो दूनी चार, ठीक है, दो बार माइनस का दो दूनी चार, प्लस तीन गुणे माइनस दो, अब एक संख्या तीन प्लस में है और दूसरी दो माइनस में, और माइनस और प्लस का गुणा करने पर हमेशा किसमें आंसर आता है, माइनस में, तो तीन दूनी छह प्लस एक, ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस आठ, तीन चौको बारह, माइनस छ और प्लस एक, माइनस माइनस वालों को साथ में कर लेते हैं, माइनस आठ ये प्लस प्लस वाला क्या है, बारह और प्लस एक तेरह, और माइनस माइनस साथ में कर लिया, माइनस आठ छ चौदह, तो तेरह में चौदह घटाएंगे और घटाने में कितना मिलेगा, माइनस एक, अगर मिलता जीरो तो गुणनखंड होता, अगर जीरो नहीं मिला तो गुणनखंड नहीं है। अतः ये जो बहुपद जी एक्स है, यही पूछा था कि बताइए जी एक्स गुणनखंड है या नहीं, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, जी एक्स जो है तो पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। इसमें दो क्वेश्चन और हैं, वो आप लोग अपने से अटेम्प्ट करिए, बन जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में दिया हुआ है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसमें दिया हुआ है पी एक्स एक बहुपद दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि x माइनस वन इस पी एक्स का गुणनखंड है ही है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि कोई एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, कोई बहुपद जी एक्स दिया है और एक दूसरा बहुपद पी एक्स दिया हुआ है और कहता है कि ये जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है ही है, तो इसका मतलब कि इससे इससे इसमें भाग देने पर शेष पर जीरो आता है विभाजन प्रमेय से। और गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, यदि यह इसका गुणनखंड है तो एक संख्या ए इस तरह की होगी कि पी ए बराबर जीरो, गुणनखंड प्रमेय से। तो इसको भी लगाते हैं हम,
सवाल आप लोग बुक से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या करना है, ठीक है। के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात करना है। इसमें पहला दिया हुआ है px, px इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ये दिया हुआ है। अब एक बहुपद दिया हुआ है x माइनस वन, वो कह रहा है कि px ये हल है, ठीक है ना, पहले का हल यहां लिख लेंगे 12 px ये, और gx x माइनस वन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है, x माइनस वन इसका क्या है, एक गुणनखंड है, तथा x माइनस वन x स्क्वायर प्लस x प्लस a का गुणनखंड है, ठीक है। अतः या फिर इसमें माना जी एक्स कॉम भाई, इसका शून्य निकाल लेते हैं x माइनस वन, या जी एक्स बराबर जीरो मान लेते हैं, तो x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास वन। अब इसमें कह रहा था कि x माइनस वन ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है, x माइनस वन इसका गुणनखंड है, और यहां से हम इसका शून्य निकाले तो इसका शून्य कितना आ रहा है, एक। तो वो जो a है, जो p a निकालते हैं, उसका a कितना आ गया है, a। अर्थात इस बहुपद में यदि हम x की जगह पे एक रख दें, x की जगह पे क्या रख दें, एक, तो इस पूरे बहुपद का मान अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड मतलब x बराबर एक, और x बराबर एक जब हम यहां रख देंगे तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अतः या x बराबर एक px में रखने पर रख देते हैं p1 वन का स्क्वायर प्लस वन और प्लस k, तो ये हो जाएगा बराबर एक, एक का स्क्वायर एक, एक प्लस के, एक एक दो प्लस के, तो पी वन बराबर क्या आ गया, टू प्लस के। अब पी वन बराबर हो कितना जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो पी वन बराबर जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं पी वन बराबर जीरो, इसका मतलब या लिख दो, चूंकि पी वन बराबर जीरो, यहां ब्रैकेट में लिख लेना x माइनस वन एक्स स्क्वायर, पूरा नहीं लिखते हैं, जी एक्स लिख लेते हैं, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। जब ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब p1 रख दिए, तो p1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। अब हम p1 के बराबर जीरो रख देंगे, अर्थात टू प्लस के बराबर जीरो हो गया, क्योंकि p1 बराबर कितना था, 2 प्लस k, ये बराबर 0 हो गया, 2 को उधर ले जाएंगे, तो k बराबर 0, और 2 उधर जाएगा तो माइनस में, तो k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2। इस तरह से हम k का मान निकाल लेंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, इसी का दूसरा या तीसरा कुछ भी देख लो, मान लो दूसरा देखते हैं, अगर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट टू, ये दिया हुआ है, और वो x माइनस वन ही है सबके लिए, x माइनस वन रूट टू, यहां तक वही सब, ठीक है। अब हम यहां पे x बराबर वन रख के देखते हैं कि इसका मान क्या हो जाता है, ये हो गया 2 x स्क्वायर गुणे 1 का स्क्वायर, x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 1 प्लस k इंटू वन, ठीक है, प्लस रूट टू, ये हो गया हमारा 2
एक का स्क्वायर एक गुणे एक, एक ही आएगा तो दो एक कम दो ही हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ए का गुणा एक में किए के कम के और प्लस रूट दो। फिर से भाई बी वन बराबर क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्स माइनस वन उसका गुणनखंड है, क्योंकि एक्स माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है। अतः P1 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। P1 मतलब इसके बराबर जीरो हो जाएगा, अर्थात 2 प्लस K प्लस रूट 2 बराबर जीरो हो जाएगा। K को उधर छोड़ेंगे, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 माइनस रूट 2। अब चाहे तो इसका माइनस कॉमन कर सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट 2। तो ये हो गया हमारा काय का मान, हो गया के का मान हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसका फोर नंबर, बस फोर नंबर पे के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के ये दिया हुआ है, ठीक है। सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है, यहां तक सब वही रहेगा। यहां बस मान रखते समय देखते हैं बहुपद का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 1 यहां पे रखेंगे तो k x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3, x की जगह 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस k, ये हो जाएगा k 1 का स्क्वायर, k इंटू 1 का स्क्वायर, तो k ही रह जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, k माइनस तीन एक कम तीन प्लस के, के के दोनों ये प्लस में है तो ये जुड़ जाएंगे, टू के और के टू के और माइनस थ्री, फिर ये इसका गुणनखंड है जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टू के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से टू के बराबर ये उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जीरो प्लस थ्री थ्री, तो के बराबर आ जाएगा थ्री बाई टू। इस तरह हमने के का मान निकाल लिया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के तीन सवाल मैंने बता दिए, जो छूट गए इन तीनों सवालों में उनको आप लोग अपने से करेंगे, चौथे नंबर से सवाल हम फिर नेक्स्ट डे बताएंगे आप लोगों को। सारे सवाल आप लोग अपनी नोटबुक में कर लीजिए, जो सवाल नहीं बनते उनको आप बताएंगे तो उनको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।